Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Crick Buzz's YouTube channel and press that bell icon now. South Africa game में बनी हुई है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है उनके कप्तान डीन एल्गार। डीन साहब ने कहा, जब तक मैं साइन नहीं करूंगा रिजल्ट बाहर नहीं जाएगा। डीन की तरह खेल रहे हैं एकदम, वो 122 गेंदे खेल चुके हैं। एक हॉलमार्क रहा उनकी भी गेम का, आप कहेंगे आप बार बार बात करते आ रहे हैं इस टेस्ट में, संयम की। आशीष, संयम दिखा और जिस तरीके से शॉर्ट सिलेक्शन था आपको, वो भी बेहतर लगा पहली पारी से? नहीं देखिए, इसीलिए डीन आप उन्हें कह रहे हैं ना कि कप्तान है टीम को, कि आपको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना है, और वो करके दिखाया उन्होंने। और इस तरीके की जो जुझारू पा रही है ना डीन एल्गार, ये खेलने के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल, अगर जिस तरीके की परिस्थितियां यहाँ है, मैं कहूंगा कि इससे भी ज्यादा अनुकूल थी गेंदबाजी के लिए पिच, जब पिछले दौरे पे आखिरी टेस्ट में जोबर्ग में था वहां पर भी ये नाबाद रहे थे, शायद 80-90 रन पर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे याद आता है। तो इस तरीके की पारियां खेलते रहे, काउंटी क्रिकेट में भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, और आज एक बार फिर ये जो अर्धशतक बनाया है ना, ये शतक से कम नहीं है। गेंद हाथ पे भी लगी, कंधे पे भी लगी, और टेस्ट क्रिकेट इसी को कहते हैं। तो डीन एल्गार की मैं कहूंगा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और जो आप अपनी टीम को दिखा सकते हैं ना, उसके लिए नंबर पूरे हैं। सिर्फ मलाल जरूर रहेगा, जो अभी हम यहाँ चर्चा कर रहे थे कि काश वो रसी वेंडुसा आउट नहीं होते, तो अगर कल बारिश नहीं भी आती तो आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से जाते कि क्या ये मुकाबला हम बचा सकते हैं। जीतना तो मैं दूर की बात कर रहा हूँ, क्या पता अगर आज आप 90-2 जाते हैं और कल आप 150-3 है, तो आपका एक माइंड अलग तरीके से चलने लगता है। तो वो चीज एक नहीं रही, पर हाँ डीन एल्गार कमाल की पारी, और आगे चलते हुए श्रृंखला में ये जो पारी है ना डीन एल्गार को, साउथ अफ्रीका टीम को काफी मदद देगी। और एक देखिए कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है खेल में, जो है आपकी जो चीजें है ना, इनको आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं आगे। कि जिस तरीके से अगर आप जसप्रीत बुमराह जितनी मर्जी यॉर्कर डालते हो, जितनी मर्जी विकेट लेते हो, पर आज जैसे एक बार फिर डाला, वो एक श्योरिटी होती रहती है आपके दिमाग में कि फिर एक डाला आज डंडा निकल गया। ऐसा नहीं है कि इसके बाद जसप्रीत बुमराह ना लगातार बार बार यॉर्करे डाले ही जा रहे हैं हर बार। अगर आप देखेंगे तो यॉर्करे गिनी चुनी है, क्योंकि वो भली भांति जानते हैं किस समय डालनी है, गेंद क्या हरकत कर रहा है, पिच कैसी है, कौन बल्लेबाज है। वो सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण रहती है इस खेल में जब आप बात करते हैं। और डीन एल्गार इन सारी परिस्थितियों को जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने बहुत बढ़िया भापा, उसी तरह डीन एल्गार ने भी, कि चाहे चोट लगी या कुछ भी हुआ, पर वहां पे डटे रहे, जो बहुत आवश्यक किसी भी बल्लेबाज के लिए इस तरीके की परिस्थिति। बिल्कुल, भारत और जीत के बीच खड़े हुए हैं अभी भी डीन एल्गार, साउथ अफ्रीका के कप्तान।